मैथ के इस सेशन में हम बात करेंगे ऐसे लेवल के क्वेश्चन को जिसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्यों ना हो, सभी में इस ढंग के क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इन सभी के क्वेश्चन को भी आसानी से ओरली ही विदाउट पेन एंड पेपर का ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह, ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन आखिर है क्या। तो देखिए पहले नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना? 313,600 वर्ग मीटर है। एक महिला को 4.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से मैदान को विकर्णीय यानी कि तिरछी तौर पर पार करने में कितना समय लगेगा, आपको बताना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वो भी वर्ड ओरली, ठीक है। कैसे करेंगे ओरली, देखिए आपका मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये कितना 313,600। तो क्या इसका हम, ये जो आपका वर्गाकार मैदान है, ये जो आपका वर्गाकार मैदान है, इसका हम एक भुजा निकाल सकते हैं क्या? एक भुजा निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, ये जो आपका 313,600 जो है, इसका आप क्या निकाल लीजिए, देखिए कि ये किसका वर्ग है, ठीक है। इस किसका वर्ग है, तो अगर आप बोले तो ये जो है 313,600, ये हो जाएगा आपका 560 का। अगर 560 का वर्ग करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 313,600, यानी कि इस वर्ग का एक भुजा कितना हो गया, एक भुजा हो गया 560 मीटर का, ठीक है, 560 मीटर का। तो बस 560 मीटर हो गया ना आपका। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि क्या कर रहा है वो जो औरत है, ये जो महिला है, ठीक है, 4.2 मीटर प्रति सेकेंड की दर से मैदान को तिरछी मतलब विकर्णीय, विकर्णीय मतलब वो विकर्ण इस तरह से वो पार कर रही है, इस तरह से वो पार कर रही है, मतलब वो ये वाला डिस्टेंस जा रही होगी। तो बताइए ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अगर आपको साइड पता है, ठीक है, तो विकर्ण निकालना बहुत ही आसान है वर्ग का। क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए, ओरली करना है, बहुत ही आसान है ना। क्या करेंगे, देखिए रूट अंडर टू इंटू, ठीक है, साइड तो आपका कितना है 560, लिख लीजिए 560, ये निकल जाएगा आपका विकर्ण। ये क्या निकल गया आपका विकर्ण, मतलब ये वाला डिस्टेंस ही क्या कर रहा है, वो औरत पार कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब इसको पार करेगी किस स्पीड से, तो ये देखिए 4.2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आपसे पूछा क्या है, टाइम। तो बस ये जो स्पीड है, इस स्पीड से भाग लगा दीजिए इस डिस्टेंस को, ठीक है। तो भाग लगाइए 4√2, तो √2 कैंसिल आउट हो गया, 4 से कट जाएगा, ये कितने बार में 140 बार में, ठीक है, कितने बार में 140 बार में, 140 बार मतलब 140 सेकंड आ गया आपका। कितना टाइम लग गया आपको, उस औरत को कितना टाइम लग गया, 140 सेकंड। तो 140 सेकंड का मतलब क्या होगा, 140 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट और 20 सेकंड, ठीक है, 2 मिनट और 20 सेकंड। देखिए किस ऑप्शन में, तो ये रहा इस ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 2 मिनट 20 सेकंड, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने इतना कुछ आपको बताया, ठीक है, तभी जाकर इतना टाइम लगा विदाउट, वरना तो आप क्या कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर का ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। करना कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है, बाकी जो कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट को ही मैंने आपको बताया, आप ये जो कॉन्सेप्ट है ओरली ही यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, लेकिन मैं आपको तो दिखाऊंगा ओरली ही, ठीक है, आप करेंगे ओरली बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणनफल 91 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, होना चाहिए, आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल, मतलब अगर मान लीजिए कोई संख्या है 2, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2, है ना। देखिए 2 का आप लिखते कैसे, 2/1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसी को उलट देंगे तो ये बन जाएगा आपका रेसिप्रोकल या फिर व्युत्क्रम, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब देखिए इसको ओरली कैसे करेंगे, देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें एक्स, ठीक है, या फिर वाई वगैरह मानकर, संख्या मानकर उसको करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऐसे काफ़ी टाइम आपका लग जाएगा, मैं आपको ओरली बताता हूँ कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, दो संख्याओं को क्या बोला है, दो संख्याओं का योगफल 20 है, तो कोई ऐसा दो संख्या होगा जिसका योगफल कितना होगा, 20 होगा, लेकिन उन संख्याओं का जो अगर आप गुना करेंगे ना, जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20, लेकिन गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 91। तो बस शुरू कीजिए सोचना, क्या ले सकते हैं कोई भी संख्या। तो चलिए मैं यहाँ पर लेता हूँ 13 और 7 को ले लेता हूँ, तो अगर मैं 13 और 7 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 होगा, ठीक है, मैं इसको मिटा देता थोड़ा सा। दो संख्या 13 और 7 को अगर आप लेंगे, चलिए मैं मान लेता हूँ कि एक संख्या 13 है, एक मिनट, तो
एक संख्या मान लेते हैं कि क्या 13 है, ठीक है, एक संख्या मान लेते हैं कि 13 है और एक संख्या आपका 7 है, ठीक है, एक संख्या क्या है 13 और एक संख्या 7 है, दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20। देखिए बोला था आपको जोड़ेंगे तो 20, अब गुना कीजिए तो दोनों को 13 और 7 को गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 91 आ रहा है आपका 91। तो बस दो संख्या आपको मिल चुका, एक संख्या क्या हुआ, एक संख्या हुआ 13, एक संख्या हो गया 7, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में तो ये बोला है, ठीक है, कि दो संख्या को जोड़ेंगे तो 20 और गुना करेंगे तो 91, तो बस हो गया आपका, गुना करेंगे तो 91 आ गया। तो अब इसी का रेसिप्रोकल जो होगा उसका योगफल क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको देखिए 13 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/13 मैं इधर लिखता हूँ, 1/13, ठीक है, प्लस जोड़ना है आपको, और 7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/7 हो गया। अब इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 91 और यहाँ पर आ जाएगा 13 और प्लस यहाँ पर 7, मतलब क्या होगा 20/ कितना आ गया 91, इन दोनों को जोड़िए 20 और ये 91, यानी 20/91 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 20/91 कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा, ये जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस ढंग से आसानी से आप ओरली कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल मानना क्या था, दो संख्या तो ढूंढना था, तो आप ट्रायल एंड एरर मेथड से आसानी से कर सकते थे। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक नंबर ही सोचने में, फिर तो अलग ही बात है ना, इतना टाइम को लगना भी नहीं चाहिए अगर आप कॉम्पिटिशन में है तो। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छे क्वेश्चन है, इस ढंग का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। बोल रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 9% का धोखा देता है, ठीक है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इसका बहुत सा मेथड हो सकता है सॉल्व करने का, लेकिन आपको करना है कैसे, ओरली ही करना है, ठीक है। बहुत सा मेथड बोलने का मतलब क्या, एक दो तो ऐसे एक नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड है आप उसको यूज कीजिए, एक इफेक्टिव परसेंटेज का, देखिए ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इफेक्टिव परसेंटेज का, ठीक है, अगर आपको सीखना है क्योंकि बहुत बार बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा काम करता है इफेक्टिव परसेंटेज, ठीक है, तो अगर आप सीखना है तो आप जो परसेंटेज का वीडियो मैंने अपलोड किया वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे आप इसको ओरली कर सकते हैं। देखिए बोला क्या है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करता है, मतलब जब खरीदता है तभी और जब बेचता है तब भी क्या करता है 9% का धोखा दे देता है वो, तो उसका कुल लाभ कितना हो गया। तो मान लेते हैं ना कि जो खरीद रहा था उस चीज़ का दाम पहले 100 रुपये था, जो खरीद रहा था कोई भी सामान मान लेते हो खरीद रहा था, तो उस समय उसका दाम था 100 रुपये। अब चूंकि उसने क्या किया 9% का धोखा दिया, मतलब वो कितना में खरीद लिया, उसको खरीद लिया वो 91 रुपये में ही, वो क्या किया खरीद लिया होगा। अब 91 रुपये में खरीदा लेकिन बेचते समय फिर 9% का धोखा, तो इसका मतलब क्या, वो 100 रुपये का तो सामान था, इसमें 9% ज़्यादा पे बेचेगा, यानी वो बेचेगा 109 रुपये में बेचेगा ना, 109 रुपये में बेचेगा, लेकिन खरीद पड़ा था कितना उसका, धोखा के वजह से 91 रुपये खरीद पड़ा था। तो देखिए लाभ कितना का हो गया, तो 109 और 91 के बीच का फर्क को देखिए, ठीक है, तो कितने का फर्क हो जाएगा, यहाँ पे फर्क हो जाएगा आपका, जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 18 का, ठीक है, मतलब यही होगा उसका लाभ, ये लाभ। लेकिन आपसे तो पूछा लाभ प्रतिशत बताइए, आपसे क्या पूछा लाभ प्रतिशत बताइए, तो ये हो गया आपका लाभ। अब बताइए कि कितना के ऊपर लाभ कमाएगा वो, 91 रुपये के ऊपर लाभ कमाएगा, 91 रुपये के ऊपर लाभ कमाएगा, तो ये 91 नीचे लिख लीजिए, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन में लाभ, प्रतिशत में पूछा है तो फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदल लिए तो 100 से गुना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप 91 से इस 1800 को काटेंगे, ठीक है, इसको ये 100 यहाँ पर लिख लीजिए, मतलब यहाँ पर हुआ 1800, ठीक है, तो 1800 को काटेंगे तो कितना बार में ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका, देखिए अच्छा एक चीज़ यहाँ पर समझिए, आपको लग रहा होगा कि अरे गुना करते समय तो फिर से बहुत लंबा चौड़ा, सॉरी भाग करते समय लंबा चौड़ा भाग करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा ऑप्शन के ऊपर भी क्या कीजिए ध्यान दिया कीजिए, तो देखिए आपका जल्दी से हो जाएगा। तो 91 से जैसे काटेंगे ना 1800, तो पहला तो ये है कि एक बार में कटेगा, फिर 9 बार में कटेगा, फिर तो बात ही खत्म, जब 1 और 9 मिला तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ये रहा, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इतने स्मार्टनेस आपको दिखाना ही है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है, इस ढंग का क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है, ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर का जो सीरीज चल रहा है उसमें आपको इस ढंग का क्वेश्चन देखने को शायद 1 या 2 बार तो मिल ही जाएगा,
है ना, या फिर एचसीएफ एलसीएम का जो पूरा बेसिक से लेके अच्छी ढंग का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराया है उसमें भी आपको इस ढंग का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ओरली मैं वहाँ पर भी दिखाया हूँ, आप वहीं से इस ढंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर खुद से कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, आप इसका आंसर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर एक्चुअली कितना आएगा, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो आप वहाँ से देखिए, फिर भी डाउट हो तो आप मेरे को कॉमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस ढंग का जो वीडियो है मैं हमेशा अपलोड करता ही रहता हूँ, ठीक है। अगर आपको इस ढंग का वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस ढंग के वीडियो को, ठीक है, और अच्छे मेथड को सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हर रोज आपको इस ढंग का जो मेथड्स है, ठीक है, ओरल मेथड्स आपको टाइमली मिलता रहे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर जो है आपको कमेंट में लिखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक धनराशि, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे देखते ही आंसर बोलेंगे, इस ढंग के क्वेश्चन को देखते ही आंसर बोला जा सकता है। बोले कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, ब्याज वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको रेट पूछा है, बताइए कि रेट क्या होगा, ठीक है, रेट क्या होगा आपको बताना है। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप बस देखिए कि कितना गुना पूछ रहे हैं आपसे। तो यहाँ पर पूछा है 3 गुना, आपसे क्या पूछ रहे हैं 3 गुना, तो उसे एक घटा के लीजिए, एक कम लीजिए। तो 3 गुना मतलब आप लीजिए 2, ठीक है, 3 गुना से एक कम मतलब 2 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 2 में आप क्या कीजिए, 100 से गुना लगाइए, गुना कीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 200। ये जो आपका 200 आया ना, इसी में जो भी आपका टाइम दिया हो, ठीक है, कितना टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष, बस 10 से भाग लगा दीजिए, तो देखिए कितना बार में 20 बार में कट जाएगा। तो ये होगा 20%, यानी कि आपका जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो ये रहा 20% यहाँ पे है, ठीक है, बस इतना ही तो करना था आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, अगर फिर भी कोई डाउट है या फिर आपको पूरे डिटेल्स में समझना है तो आप मेरे को कॉमेंट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, या फिर स्पेशल मैं इस ढंग का एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जहाँ से आप सीख सकेंगे। वैसे भी मैंने जो साधारण ब्याज है CI और SI का वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दिया, जहाँ पे मैंने अच्छी ढंग से आपको पूरा CI को समझा दिया है, अच्छे से ट्रिक्स भी आपको बताए, ठीक है। फिलहाल बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का गुणन योगफल कितना 30 है, तथा LCM कितना 25 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगा। फिर से थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएंगे, आपका आंसर आपके पास होगा। बड़ा 2 संख्या का योग कितना 30, ठीक है, LCM कितना 25, तो शुरू कीजिए। और एक चीज़ देखिए क्या पूछा, बड़ी संख्या, यानी ये जो 4 ऑप्शन है ना यहाँ पे, इसी में से एक बड़ी संख्या होगा, ठीक है, तो आप बड़ा से शुरू कीजिए। चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, चलिए मैं 25 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मान लेते कि एक संख्या 25 हो गया, तो 25 हुआ एक संख्या, जब आपने 25 ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है, तो आपको एक संख्या क्या लेना पड़ेगा, 5 ही लेना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है कि दोनों संख्या का योगफल कितना 30 होना चाहिए, तो यानी 25 में 5 जोड़ेंगे तभी ना 30 होगा। तो एक संख्या आपने लिया 25, तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली लेना पड़ा 5, यानी पहला संख्या 25, दूसरा संख्या 5, दोनों का LCM देखिए क्या 25 आ रहा है, तो बिल्कुल 25 और 5 का LCM 25 ही आएगा, यानी कि जो संख्या आपने चूज किया है 25 और 5 बिल्कुल सही है। तो आपसे क्या पूछा, बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या तो आपका 25 हुआ, यानी 25 यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा अच्छी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च, ठीक है, 2 महीने का दिया हुआ है, फरवरी तथा मार्च के महीने में है कितना मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ यहाँ पे। एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च के महीने में, ठीक है रुपीज कितना, रुपये 50,000 बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ पे, क्वेश्चन को मैं ठीक से पढ़ता हूँ यहाँ पे, ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च के महीने में, ठीक है, ये है नहीं होगा, कितना 50,000 बढ़ गया है। ठीक है, मतलब 50,000 बढ़ जाता है, यदि बढ़ गया है, यदि जनवरी में उसका खर्च 50,000 था, तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च रुपये में ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे क्या बोला है कि जनवरी से लेकर मार्च तक का जो उसका औसत खर्च है उसको बताइए। तो देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको क्या बोला है, पूछा क्या है, जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च। तो देखिए यहाँ पे कि फरवरी और मार्च के महीने में, ठीक है, उसका 50,000 करके, ठीक है, क्या होता है, औसत खर्च बढ़ जाता है, जबकि जनवरी का 50,000 है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि देखिए जनवरी का जो हो गया, अगर हम जनवरी का बात करें, तो जनवरी का उसका 50,000 था, ये 5 है, ठीक है, कितना 50,000 था। अब देखिए
तो फिर फेब में कितना हो जाएगा, फरवरी में कितना हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा आपका 50,000 बढ़ गया, यानी हो गया आपका 1,00,000। ठीक है, कितना हो गया 1,00,000। ठीक है, अब देखिए मार्च में फिर कितना हो जाएगा, मार्च में कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है मार्च में आपका हो जाएगा यहाँ पे, मार्च में आपका कितना हो जाना चाहिए, फिर 50,000 बढ़ जाएगा, फरवरी से 50,000 बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 1,50,000। तो अब सबको जोड़िए, सबको जोड़िए, ये आपका 50,000, 1,00,000 और 1,50,000, यानी टोटल कितना हो गया आपका 3,00,000। टोटल कितना हो गया 3,00,000। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, टोटल कितना हो गया आपका 3,00,000। ठीक है, आपका कितना हो गया 3,00,000। अब ये जो टोटल खर्च तो आपका निकल गया जनवरी से लेके क्या मार्च तक का 3,00,000 खर्च हो गया। अब देखिए आपको औसत पूछा है, तो चूंकि आपने 3 महीने का कुल खर्च निकाला, तो 3 से आप इसको क्या कर लीजिए, भाग कर दीजिए, तो 3 से कट जाएगा ये पूरा कितना, एक बार में मतलब 3, ये 3 से ये 3 एक बार में मतलब पूरा हो गया 1,00,000। आपका बचा कितना यहाँ पे 1,00,000। ठीक है, आपका कितना बच गया 1,00,000। तो देखिए किस ऑप्शन में 1,00,000, तो ये पहला नंबर ऑप्शन ही आपको दिया हुआ है, तो 1,00,000 आपका औसत खर्च आपका हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान था। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी जो हमसे पूछा है वो भी काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, इस ढंग का क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने का कोई फायदा है नहीं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली आप इस ढंग के क्वेश्चन को भी आप जो भी विदाउट पेन एंड पेपर का मैंने सॉल्व किया वहीं से आपके जाके देख सकते हैं, इस ढंग का क्वेश्चन भी आप ओरली ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन, अगले सेशन में आगे का जो भी क्वेश्चन है अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, जहाँ से आप और भी अच्छे मेथड्स और ओरली कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है वो आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको वीडियो टाइमली मिलता रहे। ठीक है, और एक लाइक तो बनता ही, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।